जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में एक बार फिर नई वीडियो के साथ। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 नवंबर को है धनतेरस और 12 नवंबर को है दिवाली। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली में सामान खरीदारी की परंपरा आज से नहीं बल्कि हजारों साल से लोग करते आ रहे हैं और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी है। लोग कहते हैं और धार्मिक मान्यता भी है कि धनतेरस के दिन जो भी हम वस्तु खरीदने हैं, सामग्री खरीदने हैं, उसमें 13 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाती है। दोस्तों, धनतेरस कहा जाता है 13 गुना ज्यादा धन में बढ़ोतरी होता है, प्रभाव बढ़ जाता है। तो आप यकीन मानिए, धनतेरस के दिन आप कुछ खरीदने में समर्थन नहीं है तो थोड़ा सा अब गेहूं खरीद करके ला लीजिए या फिर थोड़ा सा धनिया ही खरीद करके लाए, लेकिन आप अपने घर में जरूर कुछ ना कुछ जरूर खरीद करके लाना, कभी खाली हाथ मत आना। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, धनतेरस के दिन कौन सी ऐसे फल हैं जिस फल को हम लाते घर में तो जन्मों पुरानी हमारे गरीबी दरिद्रता एवं जीवन में परेशानी दूर हो जाते हैं। और एक फल की बिना धनतेरस की व्रत और आपने अगर दिवाली की व्रत रखे वह व्रत पूरा नहीं माना जाता, साथ ही साथ मां लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। दोस्तों, हम सब धनतेरस और दिवाली क्यों मनाते हैं, इसके कई अनेक पौराणिक मान्यता भी हैं। सबसे लोकप्रिय है कि भगवान राम वनवास से लौट करके आए तो उसकी प्रसन्नता में अयोध्या वासी ने धनतेरस और दीपावली का महोत्सव मनाए कहा भी जाता है। दसे दशहरा बिसे दिवाली, अर्थात दोस्तों दशहरा के 20 दिन बाद दिवाली होता है तो सब भगवान राम की प्रसन्नता में लोग अपने घर में दीप उत्सव मनाया। वही दीप उत्सव आज भी लोग अपने घर में प्रभु की प्रसन्नता के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए आज भी लोग मनाते आ रहे हैं। और धनतेरस में लोग सामग्री खरीदारी करते हैं तो क्या सामग्री खरीदने से क्या लाभ मिलता है और कौन से ऐसे फल है जिस फल को धनतेरस के दिन लाने से हमारे गरीबी जड़ से समाप्त हो जाती है, सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल ही छोड़ करके मत जाना, हमेशा कहना चाहूंगा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को ग्रहण करता, वीडियो को ध्यान से सुनता है, क्योंकि ज्ञान अभी नहीं तो आगे चलकर के काम जरूर आता, लेकिन ज्ञान हमेशा काम आता है। तो दोस्तों, खरीदारी आप जो है इन सामग्रियों की करते हैं। दोस्तों, यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बने बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब हमारे मेहनत को सार्थक बनाती है। तो सभी लोग जो चीज खरीद करके लाते हैं गुप्त चीज है उसमें सबसे पहले है दोस्तों, वह है झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। आप ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी जो है व्यक्ति की गरीबी को मिटाते हैं। गरीबी भी एक प्रकार के कचरा है, उसी प्रकार दोस्तों झाड़ू घर के कचरा को साफ करने का काम करता है। उसी प्रकार माता लक्ष्मी घर से गरीबी रोग एवं घर से बहुत सारे दरिद्रता है उसे मिटाने का काम करती है। तो दोस्तों झाड़ू को माता लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है तो धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए अपने घर में झाड़ू खरीद करके लाते हैं। घर में झाड़ू खरीद करके लाना धनतेरस या फिर दीपावली दिन बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको कौन सा झाड़ू का चुनाव करना है? फूल वाला झाड़ू बहुत सारे लोग मार्केट में मिलने वाले प्लास्टिक युक्त झाड़ू को ले आते, हमेशा ध्यान रखना प्लास्टिक युक्त झाड़ू जो प्लास्टिक वाला झाड़ू होता है वह कभी आपको लाभ नहीं देंगे, वह लक्ष्मी नहीं बल्कि वह राहु का स्वरूप होता है। तो हमेशा ध्यान रखना झाड़ू आपको फूल वाला झाड़ू लाना है और हाथ से गुथे हुए भी झाड़ू लाना है। आपको बाजार में आपके आसपास के मार्केट में बहुत ही आसानी से हाथ से गुथे हुए झाड़ू मिल जाएंगे। और हाँ, जब झाड़ू घर में खरीद करके लाते हैं झाड़ू की पूजा करते हैं तो कदापि झाड़ू से आपको कचरे को साफ नहीं करना है। इस झाड़ू को आपको अपने घर के उत्तर दिशा में छुपा करके रखने, जब तक यह झाड़ू आपके घर में उत्तर दिशा में छिपे रहेंगे, लोगों की नजर से बचे रहेंगे, आप इनके नित्य पूजा करते रहेंगे, आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगा। लोग बहुत बड़े मूर्ख हैं। केवल एक ही दिन, केवल दिवाली और धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करने, फिर उसी झाड़ू से कचरा साफ करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, उस झाड़ू से कचरा साफ नहीं करना है, वह झाड़ू साक्षात आप लक्ष्मी से कचरा को साफ करेंगे तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। अब जानते हैं दूसरा सामग्री हम सब लोग धनतेरस में खरीद करके लाते हैं, चांदी या फिर सोने के सिक्के। दोस्तों, चांदी को रज कहा जाता है और इसे शीतलता का भी धातु माना जाता। चांदी की धातु माता पार्वती से उत्पन्न हुई है और सोने की धातु माता लक्ष्मी से उत्पन्न हुई है। तो सोने और चांदी, दोस्तों चांदी को शक्ति माना जाता और सोना को आभा माना जाता है।
और सोने को लक्ष्मी भी माना जाता है। तो जहां पर शक्ति और लक्ष्मी कहने का मतलब है कि जहां पर पार्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ हों, उस स्थान में अन्न धन की भंडार हमेशा भरा रहता है। शत्रु भी किसी के बाल बांका नहीं कर पाते। दोस्तों, चांदी और सोने के सिक्के आप अपने समर्थ अनुसार घर में जरूर धनतेरस या फिर दिवाली के दिन खरीद करके लाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, जड़ी बूटी धनतेरस या दिवाली वाले दिन क्यों खरीद करके लाना चाहिए? दोस्तों, अगर आप धनतेरस या फिर दीपावली के दिन जड़ी बूटी खरीद करके लाते हैं तो इसे धनवंतरी महाराज प्रसन्न होते हैं। दोस्तों कहते, न स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। दोस्तों, अगर आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप कितने भी रुपए पैसा का मालिक हो और आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं, दोस्तों वह धन केवल धूल मात्र हैं। तो धनतेरस के दिन जड़ी बूटी खरीद करके लाते हैं तो यह जड़ी बूटी आपके घर में, आपके घर परिवार में रहने वाले लोगों को रोगों से बचाता है, विद्धि से बचाता, बीमारी से बचाता है। भगवान धनवंतरी जिस घर में प्रसन्न हो उस घर में कभी बीमारी नहीं होता। भगवान धनवंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो इस जड़ी बूटी, चाहे कुछ भी जड़ी बूटी हो, आप जो है खरीद करके जरूर आना। दोस्तों, आप चाहे तो बच खरीद करके ला सकते हैं, घोड़ बच खरीद करके ला सकते हैं, या फिर जो भी जड़ी बूटी हो वह बिल्कुल अपने घर में खरीद करके लाए। इससे आपके घर रोग एवं दोषों से बचे रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, लोग वस्त्र खरीदते हैं। वस्त्र क्यों खरीद करके लाए? वस्त्र खरीदने से क्या फायदा मिलता है? धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, देखिए जो वस्त्र है वह दान में महादान कहा जाता है, कन्यादान भी महादान कहा जाता। तो जो वस्त्र दोस्तों, यह माता लक्ष्मी के ही स्वरूप माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन नए वस्त्र खरीद करके लाते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती, इसे लक्ष्मी कहा जाता है। तो आप भी अपने घर में वस्त्र जरूर धनतेरस के दिन खरीद करके लाना। अब आइए जानते हैं फल के बारे में। ऐसी कौन सी फल है जिस फल के बिना दिवाली और धनतेरस, यह दोनों व्रत अधूरी मानी जाती है, माता लक्ष्मी की जो पूजा में पूर्ण नहीं मानी जाती? आप यकीन मानिए, आप कुछ भी खरीद करके लाने में समर्थवान नहीं है तो मत लाइए। लेकिन मैं जिस फल को बता रहा हूं दोस्तों, ये फल जरूर आप अपने घर में धनतेरस या दिवाली दिन जरूर लाना। आपके गरीबी मिलते देरी नहीं लगेंगे और ये फल आपको अपने घरों के आसपास में या फिर खेत खलियानों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। यह कोई साधारण फल नहीं, इस स्थल पर साक्षात माता लक्ष्मी विराजे हैं। इसके पौराणिक कथा भी बताऊंगा। तो दोस्त, जिस फल के बारे में बता रहा हूं उस जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से फिर से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बने बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वह फल है गूलर का फल। गूलर का फल कोई साधारण फल नहीं, वीडियो को छोड़ करके मत जाना। गूलर के फल से आज करोड़पति बनने का तरीका बताऊंगा, ये कोई हवा हवाई बात नहीं, शास्त्र प्रमाणित जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान नरसिंह जब हिरण्यकश्यप को मार करके जा रहा था तो दोस्तों उनके हाथ में बहुत खुजली हुई। तो भगवान नरसिंह ने अपने खुजली को मिटाने के लिए गूलर के वृक्ष को सबसे पहले अपने आसपास में देखा, तो खुजली मिटाने के लिए गूलर के वृक्ष पर नजर पड़ी और गूलर के वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिया। दोस्तों, इसे भगवान नरसिंह के नाखून गड़ाते ही खुजली जो है वह शांत हो गए, लेकिन गूलर के वृक्ष दर्द से कहराने लगे। तो भगवान नरसिंह गूलर के वृक्ष को वरदान दिया कि हे वृक्षराज, मैं आपको वरदान देता हूं कि मैं और लक्ष्मी सदा आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे, और अगर कोई भक्ता धनतेरस या दिवाली के दिन आपके फल को अपने घर में ले जाकर के स्थापित करेगा तो उसके गरीबी को हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, गूलर के वृक्ष को यह भी भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि हे वृक्षराज, आपके आसपास में अगर अमृत सैया को अर्थात मरे हुए व्यक्ति को शव यात्रा को ले जाएंगे, उस शव यात्रा को ले जाते समय जो व्यक्ति पुण्य करे रहेंगे उसके पुण्य आपके ऊपर में आ जाएंगे और आप उसे ग्रहण कर लेना। और गूलर के वृक्ष को यह भी आपको वरदान देता हूं कि आप जो दूसरे के दुख मिटाने में समर्थवान होंगे, इसलिए हे वृक्षराज, अगर आपके फल को कोई खाएगा धनतेरस के दिन या फिर शुभ मुहूर्त में खाएगा, उसके गरीबी मिटेंगे। साथ ही साथ गूलर के वृक्ष को यह भी भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया, आपके फल को खाने से लोग हमेशा जवान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। इसलिए दोस्तों, गूलर के फल आप जो है धनतेरस या दिवाली के दिन जरूर लाना। गूलर के फल को हमेशा 5 के संख्या में लाना चाहिए। इसके लाने की विधि सुनिए,
तो इस वृक्ष को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी साक्षात विराजमान रहते हैं। तो किस समय लाना, सुनिए। तो दोस्तों, इस फल को लाने से पहले सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेकर के जाना है और एक लाल कलर की कपड़े लेकर के जाना है और एक लोटा जल इस वृक्ष के जड़ पर डालना है और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, हे माता लक्ष्मी, हे नरसिंह महाराज, मैं गूलर के फल ले जाने आयो, मुझे अनुमति दे, आपको अनुमति मांगने हैं। इसके बाद इसके पांच फल को लाल कपड़े में बांध करके कोई करते हुए आपको ना देखे, चुपके से आपको लाना है और लाने के बाद आपको इसे अपने घर में रखना है। धनतेरस और दिवाली, यह दोनों दिन में इसके फल की पूजा करें और उसके बाद किसके फल को आपको अपने घर की तिजोरी में रखने, पूरे एक साल के लिए इसके फल को आपको अपने घर की तिजोरी में रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे पुनः दूसरे साल धनतेरस आएंगे, इसके फल को नदी में विसर्जित कर देना है। दोस्तों, जब तक गूलर के फल आपके घर में रहेंगे, आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएंगे, आपके जन्मों पुरानी गरीबी मिट जाएंगे। आप यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय से अनेकों लोगों की गरीबी मिटे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में जोड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाता था और पिछले साल हमने यह वीडियो बताए और इस जानकारी से लोगों की गरीबी मीठे। दोस्तों, आज वह दाता बन चुके, दूसरे के गरीबी मिटाने में, दूसरे को दान देने में समर्थवान हो गए हैं जिन्हें एक वक्त का रोजी रोटी नसीब नहीं होता था। अब दूसरे फल के बारे में सुनिए। तो दोस्तों, जो दूसरे फल हैं वह है सीता की फल, सीताफल। दोस्तों, सीताफल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है क्योंकि सीता माँ लक्ष्मी की ही अवतार है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी की साक्षात स्वरूप कहे जाने वाले सीताफल आपके गरीबी, आपके परेशानी, आपके कष्ट को तत्काल दूर कर सकते हैं। अगर धनतेरस या दीपावली के दिन खरीद करके लाते हैं तो दोस्तों, अगर आप सीताफल धनतेरस के दिन खरीद करके लाते हैं और इसे माता लक्ष्मी को भेंट करते तो धन आपके पीछे पीछे आएगा। लेकिन भेंट करने का भी अपना एक अलग तरीका होता है। हमारे वीडियो में बताएं तरीके से भेंट करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेंगे। एक बात जान लीजिए, सीता फल को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। सच्चा जो बंदर होता है, जो हनुमान जी महाराज के वानर हों, ऐसे बंदर कभी भी सीता फल के ऊपर पर नहीं चढ़ता, कभी भी सीता फल के वृक्ष पर नहीं चढ़ता, यह शास्त्र प्रमाण है। तो दोस्तों, सीता फल को धनतेरस या फिर दीपावली दिन माता लक्ष्मी को जोड़े के रूप में भेंट करना है। इसे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और दोस्तों, कम ही समय में आपकी गरीबी एवं कष्टों को दूर कर जाती हैं। यह हवा हवाई बात नहीं है, यह शास्त्र प्रमाणित जानकारी है। सीता फल से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। इसके बाद दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि धनतेरस या दिवाली दिन हमें जड़ी जरूर खरीद करके लाना चाहिए। जड़ी में जैसे कि कमल की जड़, कमल के फूल है, कमल की जो पौधे हैं, इस पर माता लक्ष्मी विराजती है। माता लक्ष्मी को कमलवासिनी कहा जाता है। माता लक्ष्मी कमल के पौधे हैं, इस पर वास करती है, कमल के फूल पर वास करते हैं। तो कमल के फूल की जड़ छोटी सी, अब कमल के फूल की जड़ लाइए, या फिर कमल के फूल की जड़ नहीं मिल पा रहे हैं, जड़ नहीं मिल पाए तो सफेद अपराजिता की जड़ आप लाए और इससे माता लक्ष्मी को धनतेरस दिवाली के दिन भेंट करिए। यकीन मानिए, जब तक यह जड़ आपके घर में रहेंगे, आप सब लोग रोगों से बचे रहेंगे और धनतेरस या दिवाली के दिन लाने से ये जड़ सिद्ध हो जाते हैं। इस जड़ को घिस करके तिलक लगाते हैं तो लोग आपको देखते रह जाएंगे, आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे। दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी बता दूं, जो जानकारी धनतेरस के दिन आपके गरीबी के साथ साथ दोस्तों, आपके घर परिवार के लोगों की जो परेशानी उसे भी दूर करेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता सोना चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान है, ये एक चीज जो लोग लाना भूल जाते हैं, नहीं मिलता पाता है। धनतेरस और दिवाली पूजा का पूरा फल दोस्तों, माता लक्ष्मी को सब चीज चढ़ाने के बाद लोग एक चीज चढ़ाना भूल जाते हैं, वह दोस्तों सिंदूर। जब तक माता लक्ष्मी को अब सिंदूर नहीं चाहेंगे, तब तक माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। दोस्तों, समस्त संसार सिंदूर से झुका हुआ, सिंदूर का मान साक्षात भगवान ब्रह्मा भी रखे हैं, भगवान विष्णु भी रखें, भगवान भोलेनाथ भी रखें, और स्त्री की सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा जो सिंगार है दोस्तों, पतिव्रता स्त्री के वह है सिंदूर। दोस्तों, जरूर माता लक्ष्मी को भेंट करें, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ दोस्तों, गुलाब के पुष्प, गुलाब के पुष्प, इसका सुगंध माता लक्ष्मी को आकर्षित करता, जिस प्रकार जो चुंबक है लोहा को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी प्रकार गुलाबी की पुष्पा की सुगंध माता लक्ष्मी को मनमोहक बनाती है, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।
इस दिन अगर 8 गुलाब के पुष्पा धनतेरस दिवाली दिन माता लक्ष्मी को भी ऐड करें तो दोस्तों ना चाहते हुए भी आपकी मनोकामना को माता लक्ष्मी पूर्ण करती हैं। आपकी गरीबी मिटती है और आपके साथ हमेशा रहती हैं। इसके बाद में कुबेर जी महाराज को प्रसन्न करने हेतु कुबेर कंध का पौधा भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। कुबेर कंध का पौधा मिल जाएंगे। कुबेर कंध का पौधा नहीं मिलते तो कोई भी कंध ले आइए और आप धनतेरस दिवाली दिन कुबेर कंध की पूजा करें और इस कंध को आप अपने घर में लगाएं। जैसे जैसे इस कंध का विस्तार होंगे वैसे वैसे आप लोगों के आध्यात्मिक उन्नति होंगे, आप लोगों की गरीबी मिटेंगे। इसके बाद धनवंतरी महाराज को इस दिन प्रसन्न करना है तो औषधि जरूर खरीद करके लाना दोस्तों। अब चाहे तो इस दिन एक पोटली बना लेना और उस पोटली में लाल कलर के कपड़े लेने और उस पोटली में आपको एक कंध लेने हैं। कोई सा भी कंध ले लीजिए, 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए, चावल ले लीजिए, कौड़ी ले लीजिए और इसे दोस्तों आप अपने घर में पोटली बनाकर में धन स्थान में धनतेरस के दिन दिवाली की पूजा करने के बाद रखना। यकीन मानिए 1 साल तक रखना है। जैसे दूसरे साल धनतेरस आएंगे दिवाली आएंगे आपको इसे जल में विसर्जित कर देना है जब तक यह आपके घर में रहेंगे। दोस्तों आपको आपके घर में निरंतर अन्न धन के भंडार भरते रहेंगे। तो दोस्तों आस करता हूं इस चैनल में इस वीडियो में जो जानकारी बताए हूं वह जानकारी आप लोगों को बहुत ही लाभ देंगे। आप लोगों की गरीबी मिटाएंगे, आप लोगों की परेशानी मिटाएंगे। तो दोस्तों आज के जानकारी इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हमें उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना।